गुड मॉर्निंग सीनियर केजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडे सेकंड सेशन। ओके, आज का ही सेकंड सेशन है जो वर्कशीट बेस्ड ही है। कंसेप्ट इज नॉट न्यू, कंसेप्ट नया नहीं है। जो हम इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो मैंने आपको लिया था, पहले भी मैंने कुछ ब्लेंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक CR, CL, FL, FR, ये सब ब्लेंड्स आपको इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मतलब व्हेन वी पुट टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर एंड वी कैन हियर बोथ द साउंड्स एट द सेम टाइम, ओके, दिस टू वर्ड्स आर कॉल्ड इनिशियल ब्लेंड्स। इनिशियल मतलब जो वर्ड के स्टार्टिंग में ही यूज होता है, जहां से वर्ड स्टार्ट होता है वो उसी ब्लेंड से स्टार्ट होता है, इसलिए उसे इनिशियल कहते हैं। और दोनों ही लेटर उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवेल नहीं होते, इसलिए उसे इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। अगेन आई रिपीट कि अगर जिस टाइम आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हो वहीं पे उसके साउंड को आपको फोकस करना है, दैट विच टू साउंड्स यू आर स्पीकिंग, आप कौन से दो साउंड बोल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो दो लेटर को साथ में रख के ब्लेंड बनाना है। देखते हैं वर्कशीट में किस तरह से है और आज कौन से ब्लेंड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो किड्स, देखिए ये वाली वर्कशीट है जो आपको ये वीक में सेंटर से दी गई है। ब्लेंड्स बहुत सारे होते हैं, देर आर सो मैनी ब्लेंड्स। बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स को हम व्हेन वी पुट टुगेदर दे एंड वी कैन हियर टू साउंड्स ऑफ बोथ लेटर्स, ओके, हम दोनों ही साउंड को सुन सकते हैं। तो आज इंट्रोड्यूस हो रहा है SP ST, SL SN, SP ST अगेन, SL SN, मतलब आज फोर जो है ब्लेंड्स यूज हो रहे हैं। SP मीन्स स्प एंड प, वी कैन हियर बोथ लेटर साउंड्स स्प। ST means stop, stop, sa and ta. SL means slow, slow, sa, sa for S and la for L, slow. SN means sna, sna, na, sa and na. Okay? तो इस तरह से ये ब्लेंड का साउंड होता है। अब हमें कहा, हमें जो कहा गया है, राइट द करेक्ट इनिशियल ब्लेंड बिलो ईच पिक्चर। पिक्चर को हमें पहले रिकॉग्नाइज करना है, उनके नाम को हमें बोलना है, प्रनाउंस करना है, और फिर हमें फोकस करना है कि कौन सा ब्लेंड स्टार्टिंग में यूज हुआ है। ओके, सो व्हाट पिक्चर इज दिस? इट इज अ स्पाइडर, स्प स्प, फर्स्ट साउंड इज स्प, स्पाइडर, स्प स्प स्प। के लिए विच ब्लेंड विल बी यूज? SP और ST, स्प, स एंड प। Yes, you are correct. So we'll write SP. Okay, this is star, stop, stop, S and T, sa and ta. So we'll write ST. This is spoon, spa, spoon. First sound is spa, sa and pa. So we'll use S again, S and P. Okay, SP, ST, SP. Now, this is a picture of slide, sla, sla, sla. Sla means S and L, sla. Okay, it is slipper, slipper. जो हम पहनते हैं ना, slipper, sla. उसमें भी आपको initial sound is SL, sla. तो हम use करेंगे SL. It's a picture of snail, sna, sna. कौन सा साउंड सुन रहे हो आप? Sa and na. So we'll use SN. Okay kids? Again SP, ST. अब ये दोनों एक्टिविटी में मैं सिर्फ ये फर्स्ट वाला ले रही हूं, ये भी दो आप डिसाइड करेंगे एंड ये दो भी आप डिसाइड करेंगे. Okay? Both columns are very easy. So it's a spade. क्या कहते हैं इसे? Spade. फावड़ा होता है, पता है, मिट्टी निकालने के लिए यूज होता है. सो इसे कहते हैं स्पैड. स्पैड के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा साउंड आपने सुना? स्प, स्प. तो स्प मींस SP. सो विल राइट SP. दिस इज अ स्टैम्प एंड दिस इज अ स्टूल. अब आप डिसाइड करेंगे SP यूज करना है या ST यूज करना है. ओके, लास्ट कॉलम में देखिए, ये है एक स्लेट जो आपकी लिखने की आपको किड्जी के किट में से भी दी जाती है ना, तो इट इज अ स्लेट. कौन सा साउंड सुन रहे हैं हम? स्ला, स्ला, स्ला मींस SL. सो आई विल राइट SL. ओके,
This is a snowman and it's a snack. Now you have to decide which blends will use for both for all these four pictures. ये आप डिसाइड करके इसे कंप्लीट करेंगे. ओके किड्स, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. थैंक यू.